ठीक है जी। अब हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल का आंसर आ रहा है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन से काम करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम यू सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी यू आ जाएगा। वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस टू टाइम्स। कॉस पे जब हम डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन विद द सेम एंगल आ जाएगा 2x। और जब हम इसके एंगल को डेरिवेट करेंगे तो हमें एक 2 मिल जाएगा क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 टूज आर 4 साइन 2x। यहाँ पर एक dx भी हमें लिखना है, वो dx यहाँ भी आ जाएगा। सो डी यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन 2x। अब साइन 2x में हम डबल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा साइन 2x की जगह। और 4 टू जा 8, इस 8 को अगर हम दूसरी साइड पे मूव कर दें तो वहां पे 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, ये हमारे न्यूमरेटर की सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी। पहले हम लिमिट्स को भी कर लेते हैं चेंज। सो 1 माइनस 2 टाइम्स कॉज 2x, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें कॉज के साथ पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये कॉज पाई बाय 2 बन जाएगा और कॉज 90 का जो आंसर है वो 0 आता है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0, इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं यानी 2 टाइम्स, और दूसरी लिमिट हमें गिवन है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 1 माइनस 2 टाइम्स, इसका आंसर माइनस 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इक्वल लिख रहे होंगे एक इंटीग्रल के, जिसमें अपर लिमिट हम 1 लिख देंगे, लोअर लिमिट को 0 कर देंगे। डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो यू के इक्वल है, न्यूमरेटर में जो लिखा है वो 1/8 डी यू के इक्वल है। हम लिखेंगे 1/8 टाइम्स इंटीग्रल 1 to 2 1/u du। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ln of u आ जाएगा और लिमिट्स 1 से 2 तक होंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 1/8 टाइम्स ln of 1 माइनस ln of 2 लिखेंगे। ln of 1 जो होता है उसका आंसर 0 आ जाता है। हम 0 माइनस ln of 2 लिखेंगे और इसे माइनस 1/8 टाइम्स ln of 2 लिखा जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.